सबसे दिक्कत वाली चीज ये है। ये कैसे कर दी है? तो जी फिलहाल गाड़ी आपको ये सामने दिख रही है, लग्जरी का दूसरा नाम है ना, तो वो है पजारो। इसमें 4 LLC है, 4 HLC है, 4H and 2 High। मित्सुबिशी का अपना 4x4 ऑफ रोड पैटर्न है, हमारे इंडिया में तो किसी और ब्रांड में नहीं आता है। पीछे भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो हमें दिख रही है, गाड़ी चला के मैं फील ले रहा हूँ ना। और बाकी अब आप मुझे एक चीज़ बता दीजिएगा कि अगर मैं पजारो स्पोर्ट्स को कंसीडर करता हूँ, बिकॉज ये एक रिस्क है, एक जुआ है, तो क्या मुझे वो जुआ खेलना चाहिए? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे। मौसम तो आज काफी बढ़िया है, थोड़ी बहुत बारिश हो रही है लेकिन अच्छा है, धूप नहीं है। ये रही हमारी गाड़ी, कल हमने इसे वॉश करा था, एक गड़बड़ हो गई जैसे, ये देखो, क्योंकि इस पर डस्ट वस्ट आई होगी, तो उसके बाद जब बारिश पड़ी तो ये फिर से हो गई गंदी। तो चलिए कोई बात नहीं, चलता रहता, लेकिन फिर भी पहले से काफी ज्यादा बेटर है। बात करें आज के हमारे प्लान्स की, ऐसा कुछ भी नहीं है, 3 दिन हो गए लगातार। विवेक भी है कि वो तार मैं लेके घूमता रहता हूँ, तो आज मैं सोच रहा हूँ निर्वाणा जाके ये तार जरूर दे आता हूँ। तो चलिए फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और जो भी अपडेट्स है वो आपको बताते हैं रास्ते में। चुम्मे क्या हाल चाल? बढ़िया। उस दिन फॉर्च्यूनर लेकर आए थे, तो पहले ये बताओ आप नेक्स्ट टाइम कब जा रहे हो भाई साहब? भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ इसी संडे फिर से निकले हम। ऐसा है कि इस संडे भी ना आपको फॉर्च्यूनर के साथ ऑफ रोड देखने को जरूर मिलेगा। भैया के पास आया था तो यहाँ पे आपको दिख रहा है शुभम रेडीमेड होलसेलर। तो किसी ने अपना बिजनेस भी सेटअप करना है तो हमारे यहाँ से आके परचेज करके सेटअप कर सकते हैं। हमारे आर जे एंड के में डिलीवरी रहेगी। हमारे जैसे पैकिंग शर्ट्स अवेलेबल है इस पोर्शन में, ये पार्ट रहेगा हमारा टी शर्ट्स का पार्ट रहेगा। कि यहाँ पे बिया का अभी ये नया सेटअप हो रहा है ना? हाँ, ये मेरा नया सेटअप अभी स्टार्ट हो रहा है। तो बाकी हमारे रेफरेंस से कोई आएगा तो उसे आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर दोगे? हाँ जी भैया, डिस्काउंट क्यों नहीं करेंगे, पूरे डिस्काउंट रहेगा। कि भैया का ना इंस्टाग्राम हैंडल है जो मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं और आपको सब चीज मिल जाएगी, ठीक है। और अभी मैं जा रहा हूँ निर्वाणा, क्योंकि विवेक भैया की जो विंच की वायर है वो मेरे पास पड़ी हुई है। और बाकी आज के क्या प्लान है? डेली व्लॉगिंग चल रही है, तो इसी तरह से डेली व्लॉगिंग होती है। तो चलिए फिर चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको रास्ते में, और जो भी सीन से आपको दिखाते हैं। कैसे बात कर रहा हूँ यार मैं? यहाँ पे मौसम हो चुका है काफी खराब, और आज तभी में भी काफी ज्यादा पानी है, देख रहे हो आप, पूरा पानी पानी है, नहीं तो इतना तो कभी भी नहीं होता इधर। खराब मौसम में क्या शूटिंग करेगा रे मैं, फीगो वाले ओवरटेक करते हुए। बारिश आ रही है, वैसे हमने जिप्सी पे आगे वो लगाया लेकिन तब भी जिप्सी के अंदर तो पानी आता ही आता है। तो चलो अब क्या करना, हो जाएंगे जूते गीले और क्या करें। फाइनली पहुंच चुके हैं निर्वाणा। परविया क्या हाल चाल? लॉन्ग टाइम है, कैसे हो? बढ़िया 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 बढ़िया। और बताओ क्या बारिशें लगा दी हैं आपने? तो जी लगभग पिछले 3 दिन से विंच की वायर मैं रोज लेके जाता हूँ, रोज लेकर आता हूँ, तो आज फाइनली। हाँ ये ऐसे ही, चलो कुंडा तो ये नया लगा था लेकिन कुछ इसकी, और ये सबसे दिक्कत वाली चीज़ ये है। ये कैसे कर दी है? बस अब ऑफ रोड में वहाँ पता नहीं चलता क्या होता है। तो बाकी यहाँ पे ना आपको एक और चीज़ दिखा रहे हैं, ये है थार 700 जो भाई उस दिन हमारे साथ आए थे, लद्दाख से थे वो, उनकी गाड़ी है ये, और इस पे हो रहा है हॉट टॉप। ये हॉट टॉप है जो उस पे लग जाएगा, और लगने के बाद भी हम आपको दिखाएंगे, तो फाइबर वाला है ये। कहने का मतलब ये कि निर्वाणा में अब आपको फैब्रिकेशन का काम भी मिल जाएगा। जी मैं सनरूफ भी लग रही है, फिर इसके बाद मेरी जिप्सी पे हॉट टॉप करते हैं। डेफिनेटली करेंगे। क्या बात है शशि भैया, क्या हाल चाल? बढ़िया क्या चल गया? ठीक हो? तो एक्चुअली शशि भैया से मिलने भी हम आ जाते हैं। और बताओ क्या चल रहा है? चल रहा है फॉग, चल रहा है फॉग। फॉग फॉग तो पुराना हो गया, अभी लेटेस्ट क्या है? तो जी सिद्धरा से होते हुए जा रहे थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा कॉफ़ी सैंडविच का ही मज़ा लिया जाए। क्या है कि पीछे भी गाड़ी लग गई है और आगे भी गाड़ी लग गई है, अभी ना मैंने बोला साइड करने के लिए तो उन्होंने की नहीं, अब मेरे को यहाँ से ही निकालनी पड़ेगी। चलिए करते हैं स्ट्रगल। कई बार इतने अजीब अजीब लोग मिल जाते हैं ना, मतलब देख रहे गाड़ी मुड़ नहीं रही, पावर स्टेयरिंग नहीं, मैंने बोला भी हटे नहीं, पर फिर मैंने मोड़ी जैसे कैसे करके भी। तो मुझे ना आशीष भैया का कॉल आया, आशीष भैया कॉन्टेसा वाले आपको पता है, तो मैंने ना उन्हें भी बोल रखा था कि भैया कोई गाड़ी होगी ना अगर तो मुझे बताना, मतलब थार भी होगी, एसयूवी टाइप भी होगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक ना पजैरो है, SFX तो मैंने देख रखी है लेकिन पजैरो स्पोर्ट्स का मेरे को कोई आइडिया नहीं है, तो उनके पास एक पजैरो स्पोर्ट्स खड़ी है, तो वो जाके मैं देखूंगा, एक्सपीरियंस लेंगे और आपको भी दिखाते हैं। और पजैरो तो भाई पजैरो ही है। ये रही हमारी पजैरो स्पोर्ट्स, ये वाली हमने लेनी नहीं है, इस पे वीडियो बनानी है, लेने वाली दूसरी है। क्या हाल चाल भैया? ठीक हो? और ठीक हो? किधर लगाए इसको? कहीं पे भी।
चलो आगे लगाता हूँ। तो जी फिलहाल गाड़ी आपको ये सामने दिख रही है, तो जैसा मैं आपको बता रहा था, भैया ने मुझे बताया कि एक ना पजारो स्पोर्ट्स है जो सेल के लिए है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने ना कभी भी पजारो स्पोर्ट्स को ना तो इतने पास से देखा है, ना उस पर कभी ड्राइव इंप्रेशन है कुछ है, लेकिन गाड़ी ना मुझे पसंद बहुत ज्यादा है। तो जैसे ये गाड़ी ना भैया की अपनी ही है, तो उन्होंने कहा तो आके ना एक बार ये वाली गाड़ी देख ले, लगभग वो गाड़ी बिल्कुल ऐसी ही है और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा। ब्लैक कलर में काफी अच्छी लग रही है, कि भैया थोड़े से बिजी है तो वो फ्री होते हैं तो फिर साथ में चलेंगे हम। पहले तो गाड़ी को क्या है कि एक लोकेशन पे लेके चलेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं गाड़ी के बारे में। पजारो का ऐसा सीन है, मैं अपना पर्सनल बताऊँ ना, लाइक मैं जब छोटा था ना तो ये गाड़ी मेरी ड्रीम कार थी। मतलब अब पजारो में दो मॉडल्स आते हैं, SFX भी आता है, स्पोर्ट्स भी आता है, तो इतना नहीं, लेकिन पजारो नाम से ही ना प्यार होता था। और आज देखिए वही पजारो हम सोच रहे हैं लेने के बारे में। मतलब ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा वो तो मुझे पता नहीं है, बट हाँ माइंड में एक चीज जरूर है कि भाई ये गाड़ी भी अपनी उस लिस्ट में जरूर है। सेकंड लव है, पहला लव तो आपको पता है कि एंडेवर ही है, और उसके बाद ये गाड़ी आती है। आप इस गाड़ी को अगर फ्रंट से देखो भाई साहब, इतना बड़ा साइज है इस गाड़ी का, और ब्लैक कलर में तो ये कुछ अलग ही लग रही है। बाकी अगर बात करें, देखो आप हेडलाइट सेटअप इसमें मिल जाता है, आपको प्रोजेक्टर है। टायर साइज की अगर हम बात करें, फिलहाल इसमें ये जो है 80 टायर्स डले हुए हैं MRF के, और जो अलॉयज का साइज है वो 17 इंच के अलॉयज हैं, लेकिन ये आप देख रहे हो ये कंपनी फिटेड अलॉयज हैं, और कितने सही लग रहे हैं, और ब्लैक कलर में तो और भी ज्यादा सही लग रहे हैं। साइड से देखो गाड़ी आप, मतलब देखो यार इसको, देखो बस बोलो कुछ मत। के फुटस्टेप्स की बात करें, बहुत सी गाड़ियों में मैंने फुटस्टेप्स देखे हैं, लेकिन ये इसके ओरिजिनल वाले हैं ना, काफी अलग दिखते हैं। चलते हैं गाड़ी के अंदर, और अंदर जाके जो आपको फील आने वाली है भाई साहब, लग्जरी का दूसरा नाम है ना तो वो है पजारो। इंटीरियर की हम बात करें, स्टेयरिंग पे आपको कंट्रोल्स मिल रहे हैं, देन उसके बाद यहाँ पे आपको पावर विंडोज के कंट्रोल मिल रहे हैं, और जो फिनिश है यहाँ पे, जैसे आप ये फिनिश देख सकते हो, ये मॉडल कौन सा है? ये 2017 मैन्युफैक्चर्ड है, एंड बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट के साथ गाड़ी है। फ्रेंड के लिए हमने लाई थी गुजरात से, अभी हम इसको फ्यूचर में अपग्रेड करने का सोच रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। लेटेस्ट गाड़ी ही है, कोई बहुत ज्यादा पुरानी गाड़ी जब ऐसा कुछ नहीं है, और इसके ना फीचर्स देख के जैसे हाईटेक फीचर है वो आपको वैसे भी समझ आ जाता है। ये हर एक चीज कंपनी की ही है, ये कंपनी इसमें कुछ भी नहीं, स्टॉक है पूरी गाड़ी स्टॉक। एक बार आपको चाबी लगा के दिखाता हूं मैं, कुछ इस तरह से आपको की दिखती है इसकी, जिसपे आपको लॉक अनलॉक का फीचर मिल रहा है, और ये मित्सुबिशी का लोगो तो बहुत ही सही लगता है। पहली आपको दिख रही है ये वाली स्क्रीन, इस स्क्रीन में क्या क्या आ जाता है? इसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, आउटसाइड टेम्परेचर राइट, लाइक फ्यूल इकोनॉमी, आपका रेंज एंड एवरेज स्पीड क्या आपने लास्ट टाइम ड्राइव किया, एलिवेशन आगे बता देगा, बैरोमीटर है इसमें। कि GoPro की स्क्रीन में ये प्रॉपरली नहीं दिखता, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है यूजुअली ये क्या है गाड़ियों के ना इंस्ट्रूमेंट कंसोल में दी जाती है, लेकिन इसमें ये है कि अलग से दी गई है, और काफी अच्छा और प्रीमियम सा फीचर लगता है। उसके बाद अगर हम स्क्रीन की बात करें, टच है ये तो ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आगे इसके AC के ना क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह सब कुछ। यहाँ पे देखो तो आपको थोड़ी सी स्पेस मिलती है, और यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल रही है, कॉइंस वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ पे आपको मिल गया ये क्या है, रियर पार्किंग सेंसर्स का बटन है। ओके, ये रियर पार्किंग सेंसर्स का, और ये रियर AC का कंट्रोल है। ठीक है, रियर AC आ गया। लेकिन सबसे जो खास चीज, जैसे मैं इस गाड़ी में बैठा ना तो वो मुझे पता क्या दिखी, ये देखो इसमें 4 LLC है, 4 HLC है, 4H and 2 High। तो ये हमें भैया बताएंगे कि क्या क्या चीज है। ये मित्सुबिशी का अपना 4x4 ऑफ रोड पैटर्न है, 4 LLC, आई गेस हमारे इंडिया में तो किसी और ब्रांड में नहीं आता है, ये सिर्फ मित्सुबिशी का अपना ही एक 4 लो सेंटर डिफरेंशियल लॉक्ड सिस्टम है, और ये ऑफ रोड के लिए बहुत कैपेबल हो जाती है इस वजह से, और ये वैसे कभी जरूरत पड़ता ही नहीं लगाने। एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो लगा सकते हो आप। कल लगाने का तरीका भी अलग है, हर किसी को इतना इजीली समझ नहीं आता, इसको प्रेस करके ही 4 LLC ज्यादा, 4 LLC इसकी इसके आगे कुछ नहीं है, और ये आपको फिर प्रेस करके उसके बाद यू कैन गो एनीवेयर। LLC का मतलब यही हो गया, लॉक कर देगा डिफरेंशियल को 4 लो में और 4 हाई में, और अगर आपको नॉर्मल 4 हाई चाहिए तो उसके लिए अलग से ऑप्शन आता है। नॉर्मल 4L का नहीं है, लेकिन वो जरूरत भी नहीं है क्योंकि L की जरूरत वैसे पड़ती नहीं है। इसका एक और फीचर भी मैं बताना चाहूंगा, ये गाड़ी अप टू 80 की स्पीड पे कभी भी ऑफ रोड रेडी कर सकते हो इन रनिंग मोशन, आपको गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है, 4 हाई या 4 LLC डालने के लिए ही रोकनी पड़ती है, बाकी ऑन ए गो 4 हाई आप चला सकते हो। okay, मतलब चलती गाड़ी में, चलती गाड़ी में 80 की स्पीड से नीचे कभी भी आप इसको 4x4 कर सकते हो। क्या बात, प्रीमियम और लग्जरी गाड़ी तो है ही है, प्लस इसमें ऑफ रोड कैपेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो वो भी कुछ नेक्स्ट लेवल ही है। बाकी यहाँ पे आपको सनग्लासेस के लिए जगह मिल जाती है, ये भी आपको वैनिटी मिरर के साथ मिल जाता है तो अच्छा है, और उस साइड का यहाँ पे भी आपको मिरर का ऑप्शन मिल रहा है। अब चलते हैं पीछे वाली साइड, और पीछे का भी थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, और
पीछे भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो हमें दिख रही है, ये क्या चीज है? ये मैप माई इंडिया का आफ्टर मार्केट स्क्रीन इंटरफेस है, और ये सीडी प्लेयर के साथ आप कुछ भी इसमें इंफोटेनमेंट कुछ भी देख सकते हो, और इसमें मैप्स भी आते हैं। ये जो है ये आफ्टर मार्केट ही है, मतलब जो मैंने पजारो लेनी है उसमें नहीं, मुझे लगवाने पड़ेंगे। बाकी एसी के वेंट्स आपको यहाँ पे मिल गए। और अगर हम बात करें सीट्स की, यहाँ पे अभी नहीं दिखेगा आपको पजारो स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ये लाइट मिल जाती है। तो ये आपको मिल जाती है स्प्लिट सीट्स, ये देखो, मतलब ये सीट्स ऐसे फोल्ड हो जाएगी, वो वाली भी हो जाएगी। तो इसमें आपको स्पेस, अगर आप दो ही बंदे ट्रैवल कर रहे हो तो पीछे आपको अच्छा खासा स्पेस है वो मिल जाता है। तो फिलहाल हम इसे कर लेते हैं फिर से सीधा विदाउट एनी हसल। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के बूट की। तो भाई साहब यहाँ भी आप स्पेस देख रहे हो, ये सीट्स ही है ना, ये वाली सीट्स फोल्ड कर रखी हैं, स्पेस आप देख रहे हो कितना ज़्यादा है। बट मुझे नहीं लगता कि इतने लोग आपको कभी बिठाने की जरूरत पड़ेगी, बट इनकेस पड़े तो आप सीट्स खोल सकते हो। खोले ओके, तो ये आप सीट देख रहे हो, इस तरह से सीट खुल जाएगी। एंड ये मतलब आप पीछे की सीट का आ गया, फिलहाल ये हमने फोल्ड ही कर रखी है। तो हाँ, तो ये यहाँ पे इसका लॉक मतलब ये दिया, वो किससे खुलेगी ना। ओके चलिए जी, तो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पॉड मिल जाएगा, और उसके बाद एसी के वेंट्स आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं। ये आपको रियर वाइपर, डिफॉगर, मतलब पीछे का लुक आप देख ही रहे हो। कैमरा भी है, सेंसर्स भी लगे हुए हैं। और अब आपको एक बारी गाड़ी का इंजन बे भी दिखा देते हैं खोल के। तो ये आपको दिख रहा है गाड़ी का इंजन, ये कितने सीसी है? ये 2500 सीसी। हॉर्स पावर? हॉर्स पावर 176। काफी ज्यादा BHP है भाई, पावर की कोई कमी नहीं है। तो जी लगभग हर एक चीज मैंने आपको गाड़ी के बारे में बता दी है। अब आ जाती है बात कि आपका क्या कहना है इस गाड़ी के बारे में। मतलब अगर मैं ये गाड़ी लेता हूँ तो मेरे बहुत से प्लान्स कम्प्रोमाइज हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये गाड़ी लेना रिस्क भी है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी पता नहीं मैं ऑफ रोड पे चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, ट्रिप्स वगैरह पे उतना रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो पता नहीं ट्रिप्स पे जाऊंगा नहीं जाऊंगा। लेकिन वही चीज है कि गाड़ी थी और भैया ने मुझे कॉल किया कि आके एक बारी देख ले, ये गाड़ी है, ऐसी गाड़ी ही है जो मिल रही है, ये वाली नहीं है, ये सेल के लिए नहीं है, ये सेल के लिए, ये पर्सनल है। एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे ये गाड़ी आप देख रहे हो ये सफारी है 4x4 विद 15 इयर्स लाइफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये वाली गाड़ी, ठीक है, कोई इंटरेस्टेड हो तो वो ले सकता है। ओके ओके, तो ये गाड़ी फॉर सेल है, 4x4 है, सफारी है, और जैसा कि भैया ने बता दिया आपको कि 15 ईयर की लाइफ के साथ, 2010 मॉडल है ये मैन्युफैक्चर्ड। बाकी भैया का इंस्टाग्राम का हैंडल आपको मिल जाएगा, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। मतलब यार इन्होंने पहले ना हमें कॉन्टेसा दिखाई, वो अपने आप में एक मास्टरपीस, उसके बाद ये गाड़ी, हमें गाड़ियों से प्यार है ना एक्चुअली। आपको ना एक छोटा सा ड्राइव इंप्रेशन भी बता देता हूँ इस गाड़ी का। इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट्स हैं इसमें। गाड़ी चला के मैं फील ले रहा हूँ ना, वो मैं मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। और एक चीज इसमें खास है, जैसे इसमें आपको क्या है, कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं, ये टॉर्जन वार वाला मिलता है, तो ये क्या है कि उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है। और मतलब इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद मुझे जो चलाने में फील आ रहा है ना। अगर आप भी ना किसी भी तरह की रेयर गाड़ियों में इंटरेस्टेड है, लाइक ये गाड़ी आपने देखी कॉन्टेसा मैंने आपको दिखाई, तो भैया के पास ना आपको हर एक तरह की कलेक्शन मिल जाएगी। एंड इनके पास ना कुछ जिप्सीज भी है, एक 2008 मॉडल जिप्सी है और एक कॉन्टेसा भी इनके पास आ रही है, ओरिजिनल वाली ही है। और बाकी अब आप मुझे एक चीज़ बता दीजिएगा कि अगर मैं पजारो स्पोर्ट्स को कंसीडर करता हूँ, बिकॉज ये एक रिस्क है, एक जुआ है, तो क्या मुझे वो जुआ खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, वो मुझे आप बता दीजिएगा। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट हमें कौन सी गाड़ी आप खतरनाक वाली दिखाने वाले हो? अच्छी वाली है, पक्का ना? पक्का, फॉर श्योर। चलो कोई नहीं। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं घर, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे कल किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।